नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजा करते हैं। इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय जरूर करें। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं है, आर्थिक परेशानियों से आप घिरे हुए हैं और लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो जन्माष्टमी पर कान्हा को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कृष्ण जी के साथ धन की देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा की पूजा में चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है, साथ ही यदि परिवार के लोग के बीच यदि कलह की स्थिति बनी रहती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। यदि कोई शत्रु आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है तो आप उससे बचने के लिए जन्माष्टमी के दिन क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप कर सकते हैं। इससे शत्रु का जो भय है वह कम होता है, तो इसका जाप करें। इसकी जो लिंक है, जाप की जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे मैं लिख दूंगी, आप वहां से लेके जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल अगर आपको पाना है तो इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें और लड्डू गोपाल को पीले रंग का फल, पीले रंग का फूल, पीले रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से शीघ्र ही विवाह योग्य रिश्ते आने लगते हैं। तो ये थे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय, जो कि बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते।